कीजिए, हमें फुल सपोर्ट करें भाई, हर जानकारी सर से मिल रही है, हमें बहुत बेनिफिट हुआ इनसे, थैंक यू। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस ब्लॉग में। दोस्तों हम आ चुके हैं जेड आरटीआई में और अभी हम अंदर जाएंगे। अभी हम जो है ट्रेन पकड़ के और राणा प्रताप जो स्टेशन है वहां से हम उतरे हैं और वहां से ऑटो के माध्यम से यहां तक हम आ चुके हैं। और यहां से देखिए सामने की तरफ आपको दिख रहा है वो है जेड। देखिए ये हमारे सारे के सारे साथी हैं 50 के 50 और ये सामने आपको जेड आरटीआई का बोर्ड दिख रहा है। यहां से हम एंट्री लेंगे और फिर यहां से जो पर्दा क्लोज है वो आपको यहां पर बताएंगे। चलिए शुरू होते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी ये सुबह के देखिए वैसे 5 बजे हमको उठने वाले थे तो 5:10 के आसपास हम उठ गए थे। और यहाँ पर जो भी सुबह का कार्यक्रम है वो करने के बाद अब देखिए हाथ में गिलास ले रखे हैं, बाहर चाय आई हुई रखी है तो चाय पीने जाते हैं। और अभी देखिए बाहर जो है अभी उजाला हो चुका है तो हम चलते हैं नीचे, वहाँ पर हमको चाय मिलने वाली है। अभी हमारे साथी लोग हैं यहाँ पर सो रहे हैं, चलते हैं। ये हमारा साथी चाय लेके आ चुका है और हम भी चाय लेके आते हैं नीचे से। बाहर आ चुके हैं और ये है चाय और थोड़ी सी खत्म हो चुकी है लेकिन फिर भी निकालते हैं इसमें से जुगाड़ करके, हमारे लायक तो हो ही जाएगी। हम थोड़ा लेट हो गए साहब, परशुराम जाट अब उठे हैं और चाय खत्म हो चुकी है इनके लिए, खाली गिलास लेके अब वापिस अपने रूम में यहाँ पर रिटर्न हो रहे हैं। ये भाई साहब अभी ऐसा मंजस में है कि हम कहाँ जाके आए हैं। और ये हमारा छात्रावास, इसके अंदर 6 बेड हैं और हम रहने वाले हैं 5 लोग, अलग अलग हैं। इधर बाहर कूलर लगा हुआ है, ये भाई साहब पंखे हैं। तो चलिए अभी चाय सर्व करते हैं, चाय पीते हैं। सब चाय पीने के बाद अब जा रहे हैं हम पीटी ग्राउंड में, वहाँ पर पीटी होगी और वहाँ का टाइम है 6 बजे। 6 बजे से पीटी शुरू होगी, 6 बजे से 6:30 बजे तक। तो अभी हम जा रहे हैं, यहाँ से थोड़ा सा दूर है 500-600 मीटर। जैसे आप जेड आरटीआई में प्रवेश करते हैं तो वहीं पे है शुरुआत में लेफ्ट साइड में, तभी हम जा रहे हैं वहीं पे। तो फिर मिलते हैं आपसे ग्राउंड में। ऐसा बात चुके हैं ग्राउंड में और ये है पीटी ग्राउंड। Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. लेकिन उधर भी है पीछे की तरफ, वहां से भी आप यहाँ पर क्रिकेट खेल सकते हो। एक्सरसाइज करके आ रहे हैं और सबके पसीने आ चुके हैं। तकरीबन 20-25 मिनट हमें एक्सरसाइज कराई आज, पहला दिन थोड़ा सा परेशान हो गए। और यहाँ पर देखिए ग्राउंड में तकरीबन यहाँ पे पूरा रेलवे स्टाफ है, टीटी, स्टेशन मास्टर, गार्ड, पॉइंट्समैन, सब यहाँ पे तकरीबन 1000 लोग इस ग्राउंड में है। तो भाई साहब पीटी करने के बाद हम नहा धो के आ चुके हैं और ये गिलास आपको मिलेगा, इस गिलास को आपको आपके साथ रखना है क्योंकि अभी नाश्ते का टाइम हो गया है और अभी नाश्ता करने जा रहे हैं। वहाँ पे देखिए दूध के लिए ये गिलास दिया गया है, इसको लेके जाना है, हम सारे के सारे एक गिलास लेके जा रहे हैं। और देखते हैं यहाँ पर डेली का अलग अलग चार्ट है कि नाश्ते में क्या मिलेगा, लंच में क्या है, डिनर में क्या है, वो डेली का अलग अलग यहाँ पर सिस्टम है।
तो चलिए देखते हैं आज क्या मिलने वाला है। तो भाई साहब आज नाश्ते में मिला है पोहा, केला, दूध और ये ब्रेड, और इधर चल रही है ब्रेड की सिकाई। तो भाई साहब अभी हम आ चुके हैं, अभी दोपहर का टाइम हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पीटी ग्राउंड में हम गए, उसके बाद में क्या क्या प्रोसेस हुआ। देखो पीटी ग्राउंड में हम गए तो वहाँ पर पीटी हुआ आधे घंटे, मतलब 6 बजे से 6:30 बजे तक। ये हमारे सभी साथी हैं पॉइंट्समैन, और उसके बाद 7:15 से 8:15 बजे का नाश्ता होता है। इनकी पीटी आपकी 6:30 बजे खत्म हुई, आप वापस आपके जो भी हॉस्टल है, जो भी रूम है उसमें आ सकते हो, स्नान करना और जो भी चीजें आप कर सकते हो। उसके बाद 7:15 से 8 बजे तक नाश्ते का टाइम होता है, उस टाइम आपको जो मेस होता है वहाँ पे खाना मिल जाता है। और उसके बाद 8:30 बजे आपकी प्रेयर शुरू हो जाती है, 8:30 से 8:45 तक। और 8:45 से जैसे आप प्रेयर से निकलोगे तो डायरेक्ट वहाँ आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। अगर आपके क्लासरूम में अगर चेंजेस होता है, अगर आपका क्लासरूम चेंज किया जाता है कि भाई आज इस क्लास में आपकी, इस रूम में आपकी क्लास लगी, वो आपको वहाँ बता दिया जाएगा। और कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे वो भी आपको बता दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो पहली क्लास है वो दोस्तों लगती है 8:45 से 10:15 तक। उसके बाद में 10:15 पे एक छोटा सा ब्रेक होता है, टी ब्रेक, जहाँ पे आपको चाय मिल जाती है, थोड़ा क्लासरूम से बाहर निकलते हैं तो 10:15 से लेके 10:30 तक ब्रेक मिलता है पहला। उसके बाद दूसरी क्लास आपकी स्टार्ट हो जाती है 10:30 बजे से 12 बजे तक। और 12 बजे के बाद यहाँ पर दो कंडीशन होती है, या तो आपको 12 बजे लंच दिया जाएगा, और 12 बजे जो लंच होगा वो 1:30 तक होगा, और उसमें आपका खाना आपको मिलेगा मेस में। अगर वो बाई चांस यहाँ पर क्या है, थोड़ा सिस्टम ऐसा बना रखा है कि 1,200 लोग हैं तो उनका खाना ना एक साथ पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर दूसरा जो लंच रखा गया है, मतलब अगर पहले वाला आपका लंच हुआ तो ठीक है, अदरवाइज आपका दूसरा लंच होगा वो 12:45 पे होगा और वो आपके 2:15 तक होगा, ठीक है। और अगर जिनका भी लंच नहीं होगा 12 बजे, उनकी क्लास लगेगी 12:00 से 12:45 तक। उसके बाद जैसे लंच खत्म हो जाएगा, लंच 12:45 पे भी खत्म हुआ है और अभी हम खाना खा के जस्ट यहाँ पर आए हैं, और बाद में फिर क्लास होगी और फिर आगे की जर्नी आपको बताएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे बाद में। तो लंच खत्म हो चुका है और हमारा जो लंच हुआ था वो दोस्तों हुआ था 12:45 से 2:15 तक। उसमें आपको खाना मिलता है और खाने का जो डेली का मेन्यू है ना वो अलग अलग है, मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। उसके बाद जो है यहाँ पर वापिस से आपकी 3 बजे आपकी जो क्लासेज है वापिस शुरू हो जाती है, मतलब लंच के बाद से 2:15 से और 3 बजे तक। फिर वापिस एक टी ब्रेक होता है 3:00 से लेके और 3:15 तक, 3:15 से वापिस आपकी क्लास लगती है और वो लगती है आपके 4:30 बजे तक। शाम को 4:30 बजे आपको यहाँ पर छोड़ दिया जाता है, आपकी छुट्टी हो जाती है। और जैसे आप छुट्टी करके आते हो तो बीच में जैसे आप आते हो तो रास्ते में आपको वहीं आपको एक मतलब एक प्रकार से हल्का फुल्का खाना आपको मिल जाएगा, चाय वगैरह डेली का अलग अलग यहाँ पर है, अलग अलग मेन्यू है उस हिसाब से। तो जैसे आप 4:30 बजे क्लास खत्म करके आओगे तो वहाँ पर आपको हल्का सा नाश्ता मिल जाएगा। उसके बाद आप फ्री हैं, आपकी छुट्टी हो जाती है। और शाम का जो खाना है उसका टाइम है दोस्तों शाम को 7:15 बजे से लेके और 8:15 बजे तक, उसके बीच आप जो है आपका डिनर कर सकते हैं और फिर आप फ्री हैं। और बाहर जाने के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन ऐसा है कि आप बाहर भी जा सकते हैं लेकिन रात के 9 बजे से पहले आपको यहाँ पर आना है, ऐसा इंस्ट्रक्शन हमको दिया गया है। और सैटरडे जो है, सैटरडे को यहाँ पर हाफ डे रहता है, 1 बजे छुट्टी हो जाती है। और संडे का यहाँ पर आपको फ्री यहाँ पर रहते हैं, संडे को आप यहाँ पर फ्री रहते हो, कहीं भी जा सकते हो बाहर। बाकी देखिए डिटेल वीडियो आपको देखना है तो हमारे एक ब्लॉग चैनल है जहाँ पर मैं आपको इन प्रोसेस के बारे में डिटेल यहाँ पर बताऊंगा, तो उसको आप देख सकते हैं, नीचे सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बताइए, किसी प्रकार का कोई भी डाउट है आप कमेंट कीजिए, हम रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। और चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद। बिल्कुल सर के चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए, मुझे फुल सपोर्ट करें भाई, हर जानकारी सर से मिल रही है, हमें बहुत बेनिफिट हुआ इनसे। थैंक यू।